महाराजा विक्रमादित्य का आपने नाम सुना होगा। हमारे यहां भारतवर्ष में विक्रम संवत चलता, उससे पहले नेपाल में भी चलता। वाह क्या बात। नहीं नहीं, भारत में विक्रम संवत चलता है प्रतिवर्ष, और आपके यहां सूर्य के अनुसार चलता है, हमारे यहां चंद्रमा के अनुसार चलता है। आपके यहां 12 महीने होते हैं, हमारे यहां 3 साल में 1/13 महीना हो जाता है। हाँ, तो विक्रम संवत आज के 5,500 पहले विक्रम संवत से पूर्व युधिष्ठिर संवत था, और युधिष्ठिर संवत से पहले कली संवत, युधिष्ठिर संवत से पहले द्वापर था। तो विक्रम संवत में महाराज विक्रमादित्य उज्जैन के राजा बड़े धर्मात्मा थे। विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया ही मंदिर बाद में हम जब गुलाम हुए तो तोड़ा गया। अयोध्या में एक प्रसिद्ध मंदिर है श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जी का, कनक भवन, जिसको देवी कैकेयी ने सीता जी के मुख देखने के बदले में अपनी ओर से उनको दे दिया था, मुख दिखाई के बदले में। वहां आज भी इतने छोटे जो श्री सीताराम जी की झांकी है वो महाराज विक्रमादित्य के काल की है, महाराज विक्रमादित्य के काल की, वो आज भी सुरक्षित है। जब गुलामी हुई मंदिर तोड़ा गया तो उनको एक बाहर में मंदिर है लाल साहब दरबार, वहां छिपा दिया गया। बाद में वो मंदिर में आए, प्रधान उत्सवों में निकलते हैं। महाराज विक्रमादित्य तीर्थ यात्रा करते हुए पहले गाड़ियों का साधन नहीं था, तो छोटी सी जहाज में 2-4 नौकाओं में तीर्थ यात्रा कर रहे थे। वो आए एक जगह तो देखे भारी संख्या में महात्मा लोग स्नान कर रहे हैं। उन्होंने अपने जहाज का नौका का लंगर डाल दिया, स्नान ध्यान किए, सेवक साथ में थे, राजा चलने का मतलब सब लोग थे। पूछा, महात्माओं के पास जाकर के पता लगवाया कि आखिर में कौन सी जगह है, आज इतने लोग स्नान कर रहे हैं। तो उन महात्माओं ने कहा कि ये अयोध्यापुरी है और आज भगवान श्री राम का जन्मदिन है, आज रामनवमी है, इसीलिए हम अपनी गुफाओं से, कंदराओं से, बाहर से यहां तीर्थ में स्नान करने के लिए आते हैं। लंबे काल से यह अयोध्यापुरी उजाड़ सी हो गई है। विक्रमादित्य के हृदय में बड़ी भावना हुई कि आखिर में भगवान सच्चिदानंद श्री राम की यह नगरी और इस प्रकार से जंगलों वृक्षों से घिरी हुई है। उन्होंने महात्माओं से जिज्ञासा की, कहा महाराज काल का यह प्रभाव है, काल के अनुसार हर वस्तु नष्ट होती रहती है, बनती बिगड़ती रहती है। उस समय कोई मंदिर आदि का रूप था नहीं, महाराज विक्रमादित्य वहीं पर लंगर डाल के भजन पूजन करने लगे, वो भी उच्च कोटि के भगवान के भक्त थे। दूसरे दिन उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की और दिन को ठीक लगभग 1:30 बजे महाराज विक्रमादित्य ने देखा कि सरजू के तट से काले घोड़े पर एक पुरुष, काले रंग का पुरुष, काला कपड़ा पहना हुआ, काला कलूटा पुरुष बड़े वेग से वृक्षों के झुरमुट से निकला, वृक्षों के बीच से और घोड़े के सहित वो भगवती सरजू में कूद गया। विक्रमादित्य देख रहे थे, अब कूद गया और थोड़ी ही देर के बाद विक्रमादित्य महाराज ने देखा कि उसी जगह से जहां घोड़ा डूब गया था, वो सवार डूब गया था, वहीं से एक व्यक्ति निकल रहा है। श्वेत रंग का, गौर वर्ण का घोड़ा है, श्वेत रंग के वस्त्र हैं, वो पुरुष भी श्वेत वर्ण का चमचमाता हुआ जब निकला तो विक्रमादित्य से नहीं रहा गया, दौड़ करके उस पुरुष के सामने गए, चरणों में लेट गए और पूछे कि आप कौन दिव्य पुरुष हैं, मैं जानना चाहता हूं। अभी अभी मैंने कुछ समय पहले देखा कि यहीं पर आकर के एक काले घोड़े पर काला पुरुष, काला कपड़ा पहना हुआ कूद गया, डूब गया, और इसी जगह से आप निकल करके घाट की ओर जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं आपका क्या परिचय है। उसने कहा कि आप कोई दिव्य पुरुष हैं, आप सामान्य मनुष्य नहीं हैं, नहीं तो हम आपको दिखते ही नहीं। जिसको भूत प्रेत की सिद्धि होती है, बागेश्वर बाबा को दिखता है कि किस पर भूत सवार है, किसको जो है प्रेत पकड़े, हम लोगों को नहीं दिखता है, क्योंकि उनका यही काम है, वो भूत ही प्रेत झाड़ते हैं, एक उदाहरण बता रहे हैं। तो जिसके जिस वस्तु की सिद्धि है उसको वो दिखता है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा हृदय पवित्र नहीं होता, तुम ज्ञान विज्ञान साधन से संपन्न नहीं होते, तो मेरा दर्शन नहीं होता। पूछा महाराज आपका परिचय मैं जानना चाहता हूं, आप कौन हैं।
तो उस पुरुष ने परिचय दिया कि मेरा नाम तीर्थराज प्रयाग है, मैं तीर्थराज प्रयाग, प्रतिवर्ष लोग हमारे यहां आकर के स्नान करके अपना पाप धोते हैं, मैं उनका पाप धोते धोते एक वर्ष में काला हो जाता हूं, और मैं अपना पाप धोने के लिए रामनवमी के दिन भगवती सरजू में स्नान करने आता हूं, इसलिए मैं यहां आया, सरजू में छलांग लगाया और मेरा दिव्य रूप हो गया, आपको मेरा दर्शन हो रहा है। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि जेही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तुलसी कह रहे हैं जेही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहां चलिया वही, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा। असुर नाग खग नर मुनि सभी भगवान की सेवा के लिए रामनवमी के दिन अयोध्या में आते हैं। इस साल रामनवमी में भीड़ जैसी थी उससे अधिक भीड़ पहले होती थी, क्योंकि सरकार ने घोषणा कर दी कि बड़ी भीड़ होगी, मर जाओगे, तो आधा लोग मरने के डर से नहीं आए, ये चीज अलग है। लेकिन आज भी इतनी लंबी चौड़ी सड़क के बन जाने पर भी आप सीधे नहीं चल सकते, शरीर से रगड़ के ही चलेंगे, इतनी भीड़ होती है, क्योंकि तीर्थ सकल तहां चली आए, आपके बगल में कोई चल रहा है, कहीं वो तीर्थराज प्रयाग तो नहीं है, कहीं काशी के सिद्ध तो नहीं है, कहीं कांचीपुरी के बड़े बड़े ज्ञानी तो नहीं है, गुफाओं कंदराओं से आए हुए लोग तो नहीं है, ये आप जान नहीं सकते। तो तीर्थराज प्रयाग प्रतिवर्ष रामनवमी को स्नान करने आते हैं। विक्रमादित्य जी ने कहा कि महाराज यदि आप हमको अपने कृपा का पात्र समझते हैं तो एक बात बताइए, मैं कैसे जानूं कि कहां श्री राम जी का प्राकट्य हुआ। राम जी की जन्म भूमि तो अयोध्या है, लेकिन वो जन्म का स्थान कौन है, वो पिन पॉइंट कहां है, मैं जानना चाहता हूं। तो उस दिव्य पुरुष ने कहा मेरे पास समय नहीं है, हां आपको मैं लक्षण बता दे रहा हूं, यहां घने जंगल हैं, जंगल में सैकड़ों हजारों गौएं चर रही हैं, जो सबसे ऊंचा स्थान होगा, आज भी राम जन्मभूमि अयोध्या में सबसे ऊंचाई पर है, जैसे काशी विश्वनाथ सबसे ऊंचाई पर है, वैसे ही भगवती अयोध्यापुरी सबसे ऊंचे हैं, क्योंकि सुदर्शन चक्र में भी वो जब चलता है तो उसका जो नुकीला भाग है वो ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर अयोध्या बसी है, त्रिशूल के ऊपर काशी बसी है। उन्होंने कहा कि सबसे ऊंचे स्थान पर गौओं के झुंड से एक गाय रोज निकल करके आएगी, आती होगी, सुबह आएगी, शाम को आएगी, और जिस जगह पर वो गौ खड़ी हो जाए, बिना बछड़े के ही उसके थन से दूध जिस जगह पर झरने लगे, समझिए वही श्री राम की जन्मभूमि का पिन पॉइंट यानी मूल स्थान है। विक्रमादित्य जी महाराज सेवकों को लेकर के वन में खोजते रहे, वो दिव्य जगह का उन्हें पता चला, देखे कि डेली कोई न कोई एक गाय आती, वहां खड़ी हो जाए, उसके थन से दूध झरता है, वो चली गई, फिर शाम को कोई गाय आई, वहीं खड़ी हुई, अपने आप बिना बछड़े के दूध झरने लगा। उसी जगह पर महाराज विक्रमादित्य ने विशाल, इतना विशाल श्री राम जी के मंदिर का निर्माण किया, जिसका दीपक काशी से, नैमिषारण्य से और तीर्थराज प्रयाग से दिखता था, ऐसे विशाल मंदिर का निर्माण किया, क्योंकि उनको भगवत आदेश था कि इस दिव्य भूमि में तीर्थराज प्रयाग का तुम्हें दर्शन हुआ है, ये अयोध्यापुरी का तुम्हारे नाम से संपत होगा, लेकिन तुम भगवान के दिव्य इस प्रासाद का निर्माण करो। और उसी प्रासाद को, महल को कालांतर में तोड़ा गया, लेकिन संस्कृति नष्ट नहीं हुई, धर्म का नाश नहीं हुआ, हजारों की संख्या में तब भी सिद्ध योगी ऋषि मुनि अयोध्या में स्नान करते थे, आज भी वह दशा है, और अयोध्या की वो दिव्यता, श्री कुश और लव दोनों भाई राज दरबार में जब पहुंचे हैं भ्रमण करते हुए अयोध्या में, तो वो पहुंचे तो उस समय की चर्चा यहां कर रहे हैं।